जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। कुरान का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। कुरान का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी। बन गए वही तो राम ऋषि, ईसा गौतम और गांधी। बन गए वही तो राम कृष्ण सीता गौतम और गांधी। विष्णु की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का शांति कभी साथ पाने को तड़पे ये मन, जब साथ हो फिर क्यों एकांत चाहे मन। मन की चाहत और मन की भाषा न समझ आई कभी, अजब ये जिज्ञासा। कभी पल में उड़ता वो गगन छूने की चाह, कभी जमीन पे गिरता वो समाने की चाह। कभी भीड़ में खुद को पाने की चाह, कभी यूं तन्हा सब भुला देने की चाह। जाने कितनी उलझनों में गिरता ये मन, गिरता उठता संभलता ये मन। हर पल एक नई उड़ान है भरता ये मन। इस संसार में सबसे ज्यादा चंचल कौन है? मनुष्य का ये मन, अभी यहां अभी वहां। उसे क्या चाहिए समझ नहीं आता है, ढूंढते ही रहता है, भटकते ही रहता है, यहां से वहां दौड़ता है। भीड़ में जाता है तो एकांत चाहिए, एकांत में जाता है तो भीड़ चाहिए। बोलता है तो सोचता है मौन हो जाओ, मौन हो जाओ तो सोचता है बोलू। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह मन के लिए कहा है कि ये मन कितना बेचैन है, कितना अस्थिर है, हाउ रेस्टलेस। और इसकी तुलना किससे की गई है? एक बंदर से। पर ये साधारण बंदर नहीं है, ये वो बंदर है वो जो पागल हो गया है। बंदर पहले से ही कैसा है? चंचल। उसमें से भी वो बंदर जो पागल हो गया है। फिर उस बंदर को
एक बिच्छू ने आके काटा। क्या हो गया? उस बंदर को एक बिच्छू ने आके काटा और फिर उस बंदर को किसी ने शराब पिला दी और फिर उस बंदर में एक भूत प्रवेश कर गया, एक प्रेतात्मा। यह है मनुष्य का मन, अब इसको वश में करना है। मन जो पहले से ही चंचल है, सबसे पहले इच्छा के बिच्छू ने उसको काटा, फिर एक इच्छा का दारू वाइन उसे पिलाई गई, जेलसी का बिच्छू ईर्ष्या का बिच्छू उसे काटता है और अहंकार का भूत और प्रेत आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो उसमें अहंकार है, उसमें इच्छा है, उसमें ईर्ष्या है, ये तीनों चीजें किसमें प्रवेश कर गई? उस बंदर में। और वो भी साधारण बंदर नहीं, जो पहले से ही थोड़ा सा पागल था। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति है मन की, और हम अध्यात्म कहता है इस मन को वश में कर लो। कैसे करें? चंचल ही मन कृष्ण, हे गोविंद हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? कैसे इस मन को वश में करूं? तो मन की तुलना बंदर से की गई। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा हमारे शहर में चलो। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा हमारे शहर में चलो। बाप कहते हैं, कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो। तो आज हम चर्चा करेंगे कांटों के जंगल में बंदर। बंदर बड़ा ही अद्भुत प्राणी है और बंदरों पर जितने प्रयोग किए गए उतने शायद किसी भी जानवर पर नहीं किए गए। पर कुछ बहुत से रोचक तत्व है बंदर के विषय में। तो बंदर की हम ऐसी 8 बातें देखेंगे, उसमें से 6 गड़बड़ वाली है और 2 सीखने वाली है। और बाबा ने कहा, यह सारा संसार कांटों का जंगल है और हर मन बंदर मन है, जिसको कहते हैं मंकी माइंड। और सबसे ज्यादा अभ्यास अध्यात्म में मन का अगर किया गया है तो बौद्ध धर्म में किया गया है और उसको जोड़ा गया है बंदर के साथ। बंदर की 2 प्रजातियां हैं मुख्य, 2 भाग। एक तो प्राचीन दुनिया के बंदर, एक नवीन दुनिया के बंदर। प्राचीन दुनिया के बंदर अर्थात एशिया अफ्रीका और नवीन दुनिया के बंदर अर्थात अमेरिका। प्राचीन दुनिया के जो बंदर है उनके 32 दांत होते हैं और जो नई दुनिया के बंदर है उनके 36। और बंदरों में और मनुष्यों में एक समानता है जो किसी भी प्राणी में नहीं है, कि जैसे मनुष्य केला छिलके निकाल कर खाता है, बंदर एकमात्र ऐसा पशु है जो छिलके निकाल कर केला खाता है। बाकी कोई भी जानवर छिलके निकाल के नहीं खाता है और बंदर उल्टे छिलके निकालता है ऊपर से। तो बंदर के बहुत सारी बातें हैं। तो एक 14 दिसंबर को वर्ल्ड मंकी डे सेलिब्रेट किया जाता है। बंदर का दिन भी है, एक विशेष दिन। तो ये जो बंदर मन है, इस पर बहुत सारे रिसर्च किए, संशोधन किए, और सबसे बड़ा एक रिसर्च जो किया गया वो था 5 बंदरों पर एक रिसर्च लैब में। ये रिसर्च लैब है जहां पर 5 बंदरों को रखा गया और यहां पर एक सीढ़ी लटकाई गई और यहां पर केले रखे गए। जैसे ही और दरवाजा बंद और सीढ़ी में एक बार में एक ही बंदर चढ़ सकता है, तो तुरंत सबसे होशियार जो बंदर था वो चढ़ने लगा। और जैसे ही ये बंदर केले खाने के लिए चढ़ने लगा, इन 4 बंदरों पर एकदम बर्फीला ठंडा ठंडा पानी छिड़का गया और
वो बंदर नीचे आ गया। जैसे ही दूसरा बंदर चढ़ने गया, बाकी सब पर वैसा ही पानी छिड़का गया। तो बंदरों को समझ में आया कि इस पे चढ़ना नहीं है, और जो इसमें चढ़ेगा उसको खींच के नीचे लाना है, क्योंकि अगर कोई चढ़ता है तो हम पर ठंडा पानी छिड़का जाता है। तो जब भी कोई चढ़ने लगा उसको पकड़ के वो लोग नीचे लाने लगे, बिल्कुल चढ़ने नहीं देते, क्योंकि बहुत पीड़ा होती थी जब ठंडा पानी शरीर पर पड़ता था एकदम बर्फ वाला। तो ये था फर्स्ट स्टेप प्रयोग का, कि इन बंदरों ने फिर ये समझ में आ गया कि कोई भी ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक की वजह से इतने लोग क्यों सफर करें, दुखी होना पड़ता है बाकियों को। तो किसी ने किसी को भी चढ़ने नहीं दिया। अभी उन्होंने क्या किया, एक बंदर को रिप्लेस करके नया बंदर ला दिया, इसको बाहर कर दिया और नया आ गया, बंदर वन, मंकी M1, नया मंकी। अभी इसको तो पता ही नहीं ना ये बातें, और उसने तो केले देखे और सीधा चढ़ने लगा, और जैसे चढ़ने लगा इन पर पानी इन पर डाला नहीं गया अभी, पर जैसे ये चढ़ने लगा इन चारों ने पकड़ के उसको नीचे लाया और बहुत पिटाई की इसकी। इसको तो समझ में नहीं आया मेरी पिटाई हुई क्यों, बेचारा चुपचाप फिर से कोशिश की, फिर से पकड़ के उसकी पिटाई की। उसको तो किंग कर्तव्य विमूढ़, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। फिर क्या किया गया, दूसरे बंदर को चेंज कर दिया गया और इसकी जगह एक नया बंदर आ गया, M2। अब M2 को तो पता ही नहीं क्या है हो रहा है, वो सीधा चढ़ने लगा, पर ये बाकी तीन बंदर उसको पकड़ के नीचे लाने लगे, पर इन तीन बंदरों के साथ M1 भी शामिल हो गया। अब M1 को तो ये भी नहीं पता कि मैं क्यों उसको नीचे ला रहा हूं, पर जैसा इन तीनों ने किया M1 भी M2 को नीचे उतारने में लग गया, और M2 की बहुत पिटाई की सबने मिलकर। M2 को तो समझ भी नहीं आया ये हो क्या रहा, मैंने किया कौन सा ऐसा पाप। थोड़ी देर के बाद तीसरे बंदर को रिप्लेस करके M3 आ गया। अब M3 को तो कुछ भी नहीं पता, वो भी चढ़ने लगा, पर उसको नीचे लाने के लिए ये दो बचे हुए बंदर और साथ में M1 तो है पर M2 भी साथ में है। अब उसको तो कुछ भी नहीं पता उसके बाद में ये भी रिप्लेस हुआ और उसके बाद में ये भी रिप्लेस हुआ, पांच नए बंदर है और आराम से बैठे हैं। इनको पानी का कोई अनुभव नहीं है, इनको तो इन पर कभी भी पानी छिड़का नहीं गया, फिर भी इनमें से कोई भी ऊपर नहीं चढ़ रहे, ऐसे क्यों। यही परंपरा के साथ हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं हो क्यों रहा है, क्योंकि नकल करते हैं, नकल जी है, मिमिक्री, जाति परंपरा मत ये सारी जो चली है समाज में ये लगभग ऐसे ही चला है। तो ये प्रयोग था, इस पर हम फिर से वापस आएंगे। तो बंदर की ऐसे आठ बातें हैं। सबसे पहला बाबा ने कहा कि ये कांटों के जंगल में हर व्यक्ति क्या है, बंदर है, तुम जाओ सबका कल्याण करो, मैं नहीं जाने वाला, इन बंदरों को देखकर मैं क्या करूं। सबसे पहला कपिचित्त, महात्मा बुद्ध ने एक शब्द लिखा है मन के लिए, कपिचित्त, कपि अर्थात बंदर, वानर, मरकट, मंकी माइंड, और कपिचित्त अर्थात बंदर कैसा होता है, बेकाबू, बंदर कैसा होता है, बेचैन, बंदर कैसा होता है, अस्थिर, बंदर कैसा होता है, मनमौजी, ये सब इस मन के लक्षण है, अस्थिर है, चंचल है मन, कपिचित्त। तो बंदर जो होता है कभी भी एक जगह स्थान पर ध्यान लगाकर नहीं बैठता है, हलचल में है हमेशा, बेकाबू है हमेशा, बेचैन ही है, हमेशा बेचैन है, ये मन का स्वभाव है, कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, वो ढूंढ रहा है। वो जो मंकी माइंड है हर आत्मा का माइंड है, हमारा ही ये मन है, ये केवल बाबा बाहर वालों के लिए नहीं कह रहे, बंदरों को देखने चाहूं, ये तो मन ही है जो बंदर की तरह है, और उसका सबसे पहला दुर्गुण, अवगुण, बेगुण है कि वो कपिचित्त है मन, और कपिचित्त अर्थात उसमें ये सारी बातें हैं, वो बेकाबू है,
वो बेचैन है, वो अस्थिर है, वो चंचल है, वो मनमौजी है, ये सारी चीजें उसमें है। अगर मन को जीतना है, मन को समझना है, तो मन के स्वभाव को समझना होगा। कब क्या, कौन सी चीज उसे अस्थिर कर रही है, कौन उसे बेकाबू कर रहा है, कौन उसे चंचल कर रहा है, कौन सी चीज उसकी वृत्तियों में चंचलता पैदा कर रही है, वो कौन से कारण है, वो कौन सी सूक्ष्म बातें हैं, कौन उसे अशांत अस्थिर कर देता है। इस कपी चित्त को समझना पड़ेगा, ये कैसा चित्त चंचल हुआ जा रहा है। जरूर कोई ना कोई उसे इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है, जो बाहर की चीज है, वस्तु है, व्यक्ति है, इच्छा है। और जब तक इस प्रभाव को ना समझा जाए, सारे दिन भर में आज की मुरली में बाबा ने कहा अपनी संभाल करो, आज की मुरली में बाबा ने कहा अपने पर नजर रखो, इस कपी चित्त को समझना है। और इसके लिए एक अभ्यास है, योग नहीं, बस आंखें बंद करके बैठ जाना, कुछ भी नहीं सोचना, केवल बैठ के देखना 15 मिनट आंखें बंद करके, मन कहां कहां जा रहा है, कहां कहां जा रहा है, बस साक्षी होकर देखना। उसे वश में करने का प्रयत्न नहीं करना, ये विचार क्यों आ रहा है, वो विचार, जो आ रहा है आने दो, जैसा आ रहा है आने दो। अपने मन को देखे तो सही, करता क्या है, वो कितना समय शांत बैठ पाता है, केवल देखना। जैसे विचार जो है डाली है और मन जो है बंदर है, बंदर क्या करता है, थॉट ब्रांच पर इधर से उधर, ब्रांच कौन सी है, थॉट ब्रांच, विचार संकल्प की ब्रांच है डाली, उसके ऊपर कूदता फुदकता रहता है, किस विचार से किस विचार पर जाता है, अभी अभी बहुत ऊंचे श्रेष्ठ विचार, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, अभी अभी इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, मैं कब तक सहन करूं, और फिर तुरंत दूसरा संकल्प, मैं सहनशीलता की देवी हूं, और फिर एकदम हद और फिर बेहद, कभी ऊंचाई तो कभी नीचाई, इधर से उधर और उधर से उधर, क्या करता है समझ नहीं आता, कैसे फुदकता रहता है, बंदर की तरह, मरकट की तरह, वानर की तरह, इस कपी की तरह, ये जो मंकी माइंड है, इसको समझना है, उसे चंचल किसने बनाया, कौन सी शराब पी ली, कौन सा बिच्छू काट लिया, और कौन सा भूत प्रेत आत्मा उसमें प्रवेश कर गई, किसने उसको ऐसा पागल बना के रखा है, पागलों की तरह भागता है यहां, चाहिए तो चाहिए, बस जिद ऐसी करता है कि बात मत पूछो, अभी तो एकदम सत्यवादी, तो फिर कभी झूठ पर आ जाता है, सरासर झूठ, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ, कभी बहाने देता है, आज की मुरली में है, चार्ट क्यों नहीं लिखते, कोई कहते हैं बाबा लज्जा आती है, दूसरे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं है, कोई कहते हैं लज्जा आती है, कोई कहते हैं फुर्सत नहीं है, और किसी किसी को ज्ञान का अहंकार है, ये तीन कारण बताए पूरी मुरली में यहां वहां बिखरे हुए, अहंकार है इसलिए लिखते नहीं, हम क्यों लिखे, ज्ञान का अहंकार, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, और किसी को शर्म आती है, बाबा ने कहा पौन घंटे में याद का चार्ट कितना है वो लिखो, कोई कहते हैं हम निरंतर याद में, बाबा कहते हैं बाप नहीं मानेगा, ये अवस्था पिछाड़ी में होगी, जब कर्मातीत बनेंगे, जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, तब तक नहीं, ठगो नहीं अपने आप को। इस कपी चित्त, तो बंदर अर्थात कपी चित्त, मन चंचल, मन अस्थिर, मन भटकता है, मन बाहर जाने की कोशिश करता है, उसे बाहर से कुछ चाहिए, जो अंदर है वो नहीं चाहिए उसे, उसकी खोज बाहर की है, कुछ तो उसे लगता है वहां सुख है, पर वहां है नहीं, फंसता है, ठगता है, ठगा जाता है। बाज की मुरली में माया बुद्धि का योग लगाने नहीं देती बाप से, मित्र संबंधियों को जाते देखते हैं तो मोह आ जाता है मन में, उनको याद करते रहते हैं, तुम यहां कितने ऊंची पहाड़ी पर कितने दूर हो, कितनी अच्छी, अच्छा स्थान है,
उसकी इच्छा होती रहती है प्रैक्टिकल में विलायत जाए तो क्या क्या होगा, स्वप्न बनाते रहते हैं आज की मुरली में। दूसरा है अटैचमेंट। बंदरों में क्या होती है, बहुत ज्यादा मोह होता है। इसका उदाहरण बाबा मुरली में देते हैं, मरा हुआ बच्चा बंदरी छोड़ती नहीं है जल्दी, पकड़ के रखती है। कितना दिन पकड़ती है, कभी कभी एक महीना, उससे भी ज्यादा। छोड़ती नहीं है। इस पर भी बहुत सारे प्रयोग किए गए। मंकी ट्रैपिंग, मंकी को कैसे पकड़ा जाए इस पर प्रयोग है। जैसे एक बोतल है, कहीं बोतल कहते कहीं घड़ा कहते कहीं कुछ कहते, अलग अलग उदाहरण अलग अलग जगह दिए हुए हैं। कांच की एक बोतल ले लो जिसका गला छोटा है और उसमें एक फल है एप्पल। मंकी ने देखा, आया, हाथ डाला उसमें, और हाथ डालने के बाद अब हाथ निकल नहीं रहा है। निकल सकता है हाथ, पर एप्पल को छोड़ना पड़ेगा, और किसी भी हालत में वो राजी नहीं है एप्पल को छोड़ने के लिए। चाहे एक महीना भी क्यों ना, चाहे मर भी क्यों ना जाए, पर एप्पल को नहीं छोड़ेगा। ये मंकी का स्वभाव है। और तब तक मालिक आता है डंडा लेकर, वो अभी भी छूट सकता है पर छोड़ता नहीं है एप्पल को, पकड़ के रखता है। उसकी कोहनी पर एक लगाता है, पकड़ ढीली होती है और मंकी पकड़ा जाता है। ट्रैपिंग मंकी, हाउ टू ट्रैप मंकीज, इसकी अलग सी विधि है। जो मंकी पकड़ने वाले हैं उनको ऐसी बहुत सारी विधियां पता है। मंकी की कमजोरी को जानते हो, उसका किस में मोह है। तो मंकी मन अर्थात जो अटैच्ड है, जब तक हम चीजों को पकड़ के रखे हुए है, ये संसार वो बोतल है, मंकी वो हम है, और वो जो वस्तु है वो इस संसार का एप्पल जो है वो इस संसार की वस्तु है, या व्यक्ति है, वैभव है, वस्तु है, चीजें है, साधन है, पकड़ के रखे है। कल की मुरली में वरदान में था संसार असार है, ये संसार असार है, यहां कोई सार नहीं है, इसको मत पकड़ के रखो, छोड़ दो इसको। पर मन ने पकड़ के रखा है, गहरी पकड़ है मन की। तो मन की मन अर्थात जो मन कहीं ना कहीं आसक्त है, लगाव है, लागत है, लोभ पकड़े, अटैचमेंट है, कहीं आसक्ति है कहीं। तीसरा मर्कट वैराग्य। मंकी में क्या है, मर्कट वैराग्य। एक घड़ा है जिसमें चने हैं, उधर से वो बंदर देखता है चने हैं, अंदर जाता है, हाथ डालता है और हाथ निकलता नहीं है बाहर। मालिक आता है, बहुत पिटाई करता है उसकी, बहुत पिटाई करता है, बहुत पिटाई करता है, और जब पिट रहा होता है तो सोचता है इसके बाद आज से कभी भी हाथ नहीं डालूंगा। बहुत दर्द होता है, हड्डियां दुखती है, पीठ में दर्द होता है, बाद में सोने में तकलीफ होती है। क्या करना है, चने का छोड़ो, इतनी मार खानी पड़ती है, कब तक पीटे इस तरह। और फिर एकदम से वैराग को उत्पन्न होता है, परम वैराग जागता है, सोचता है बहुत हो गया, अभी हिमालय पर जाकर तपस्या करना ही ठीक है। और जब वहां से छूट के जाता है और दूसरे दिन फिर देखता है घड़ा और चने, फिर जाके हाथ डालता है। पहले दिन वैराग तो आ गया था, परंतु क्षणिक वैराग था, वो शमशानी वैराग था, उसको कहते हैं मर्कट वैराग्य। तो ये संसार में कांटों के जंगल में बंदरों को देखने जाऊं कि जहां लोगों के मन में कौन सा वैराग है, मर्कट वैराग्य है, शमशानी वैराग है, शाश्वत वैराग्य नहीं है, पूर्ण वैराग्य नहीं है, आधा अधूरा वैराग्य है, दबाया हुआ है वो इच्छाओं को, ऐसा वैराग्य है। तो मन, बंदर मन अर्थात जिसमें पूरा वैराग्य नहीं, ये तीसरी बात है बंदरों की, जिनमें पूरा वैराग्य नहीं है। चौथा जो कहानी में बताया, मिमिक्री। बंदर क्या करते हैं, नकल करते हैं। मनुष्य भी नकल ही करते रहता है जीवन भर। इसको कहते हैं मॉब मेंटालिटी, जो दूसरों ने किया वो करना। अपना कोई विचार नहीं, अपना कोई चिंतन नहीं, अपनी कोई विचारधारा नहीं, देखा देखी करना,
उन्होंने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे, उसने ऐसा किया हम भी ऐसा, वो ये खाता है हम भी ऐसा खाएंगे। खुद अपना विवेक, खुद अपना लॉजिक, खुद अपना रीजनिंग, खुद अपना तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं करते, बस देखा देखी करते रहते और फिर मुंह के बल गिरते। अध्यात्म अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, हर जगह पर तर्क करना, देखा देखी कुछ भी स्वीकार नहीं करना। किसी ने कह दिया, किसी किताब में है, कहीं पर आ गया इसलिए मान लिया। बाबा ने कहा जज करो, मैं जो कहता हूं राइट है कि रॉन्ग है। यह अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। एक एक चीज को जज करो यहां पर, जो जो मैं सुनाता हूं, जो जो बातें मुरली में आती है उसको जज करो, है या नहीं है वास्तव में। आज की मुरली में बड़ा पावरफुल वाक्य है एक, ये संसार में झूठ तो अंदर जैसे जमा हुआ है, जम गया है झूठ, इतना झूठ है, इतना झूठ है कि अंदर जम गया है जाकर। तो ये झूठ खंड है। यहां पे सच ढूंढना बहुत बड़ी बात है। यहां सब एक दूसरों की नकल कर रहे, एक के पीछे एक जा रहे। तो बंदर का स्वभाव क्या है? नकल करना, कॉपी करना, भेड़ चाल, मॉब मेंटेलिटी। यहां अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। उसके बाद है बंदर जो होते हैं आक्रमण करते हैं। अगर उनको हाथ लगाओ, गुर्राते हैं और आक्रमण करेंगे। छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप बंदर के साथ, एकदम अटैक कर देते हैं। तो मनुष्य का भी मन ऐसा ही है, जरा भी छेड़छाड़ करो आक्रमण करता है, सीधा आक्रमण करता है। उसको कोई कुछ बोल दे थोड़ा सा, छोड़ता नहीं है उसको, जीवन भर नहीं छोड़ता, जीवन भर ना छोड़ता है ना भूलता है कि इसने मुझे उस समय ऐसा कहा था। बंदर भूल जाएगा शायद, पर ये नहीं भूलता है, मनुष्य नहीं भूलता है। किसने मेरे साथ क्या क्या बुरा किया उसकी पूरी लिस्ट एकदम ताजा है। किसने अच्छा किया, किसने स्तुति की, किसने तारीफ की, किसने महिमा की, वो सब भूल गया है। किसने प्रशंसा की, किसने आगे बढ़ा, इतना याद नहीं है। पर जिस जिसने मुझे रोका था, खींचा था नीचे, पकड़ा था, गिराया था, अपशब्द बोले थे, कटु वचन बोले थे, दुर्व्यवहार किया था, अपमान किया था, वो जो कुछ किया था वो सब याद है। ये मन का स्वभाव है। अगर मन को 29 बातें बताई जाए जो अच्छी है और एक बात बताई जाए, अगर कोई चीज है, ये चीज खाने की जो है इसमें 29 इसके नुकसान है और एक ही फायदा है, तो नहीं 29 फायदे हैं एक नुकसान है, तो व्यक्ति उस नुकसान को याद रखता है। जो ज्यादा है निगेटिव चीज ज्यादा याद रखता है, पॉजिटिव कम याद रखता है। ये उस मन का स्वभाव है। इसके लिए मन को समझना बहुत जरूरी है। मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, मन को दबाना नहीं है, दमन नहीं करना है। उसको अगर जबरदस्ती कुछ कहने को करो तो वो वही करता है, वो और जोर से करता है उसको। इसके लिए मन के साथ, मन बड़ा ही नाजुक, नजाकत से इसको डील करना है। मन के साथ कोई भी जबरदस्ती उसके साथ चलती नहीं है। इतने 10 साल की आदत है और एक दिन अचानक घनघोर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं करूंगा, वो भी अच्छी बात है, परंतु दूसरे दिन फिर गिरते हैं। समझ के करना है उसको, प्रतिज्ञाएं जो भी की जाती है। इसलिए प्रतिज्ञाएं पूरी क्यों नहीं होती है? इतनी तो पावरफुल प्रतिज्ञा करते मधुबन में आके, फिर भी कोई भी प्रतिज्ञा क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि फोर्स ऑफ हैबिट, पुरानी आदतों का बहुत जबरदस्त शक्ति है, वो खींच लेती है उसको। इसलिए मन का क्या करता है? आक्रमण, आक्रामक वृत्ति है बंदरों की। उसके बाद में अगला है खाने की, बहुत उसको क्या है, बहुत ज्यादा लालची होता है खाने के लिए, बहुत पकड़ लेगा वो। कोई चीज उसको दिख गई, आप केले और फल लेके जंगल में जाके बैठो, पकड़ लेंगे। आम लेके ऐसे ही घूमो जहां से बंदर जा रहे, देखो क्या होता है, एकदम आक्रमण कर देंगे। क्योंकि उनको खान पान की बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, उनको बहुत ज्यादा चाहिए रहता है,
तो बंदर मन अर्थात जो भोग विलास में डूबा हुआ मन है, बंदर मन अर्थात जो रसों में डूबा हुआ है, इससे स्वयं को बाहर निकालना है। जैसे एक बंदर शहर में घुसाया और किसी घर में देखा उसने आम टेबल पर रखे हुए, फटाफट वो जो क्या कहते हैं उसको बास्केट थे, क्या कहते हैं बाउल, उसमें से सारे के सारे आम ले लिए उसने, और इतने अच्छे लाल लाल थे, पीले पीले आम थे, अब कब खाऊं और कब नहीं, और जाके खाने लगा, पर वो तो लकड़ी के थे, अब जा ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, टूट ही नहीं रहे वो आम, पर फिर भी छोड़ेगा कैसे, लेके घूम रहा है, क्योंकि दूसरों को जंगल में अपने साथियों को दिखाना है मुझे क्या मिला है, और दूसरों को दिखा रहा है, दूसरे देख रहे, पर अंदर अब उसको भूख भी लगी है, क्या करे, बीच में केले आ रहे हैं रास्ते में, पर खाऊ कैसे, क्योंकि ये छोड़ना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकता, पकड़ के है आम को और जा रहा है, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अभी तक भूखा है सुबह से, पर छोड़ेगा कैसे, पर खाता है तो खड़क है, क्योंकि झूठे आम है वो, पर लास्ट में उसको ऐसी भूख लगती है कि फिर उसको छोड़ ही देता है, तब जाके उसको शांति मिलती है केले वेले खा के। व्यक्ति भी ऐसा ही है, पकड़ के है चीजों को, पर उसको खुद सुख सुख नहीं मिल रहा है उसमें, केवल आसक्ति है वो, बस उसको छोड़ो तो सुख मिलेगा, वो काल्पनिक है वो सुख, क्योंकि वो लकड़ी के आम है, सच्चे आम नहीं है। उसके बाद में ये थे उसके छह कमियां कहो, अवगुण कहो। अगली दो उसके अच्छे गुण है, पहला है कि वो ट्रेनेबल है। जापान में एक रेस्टोरेंट है, वहां के जो वेटर है वो बंदर है। थाईलैंड और मलेशिया में जो नारियल तोड़ के लाते हैं, बंदरों को ट्रेन किया जाता है, बंदरों को गिनती भी सिखाई जा सकती है, बंदर इतने होशियार होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको जो सिखाओ वो सीखते हैं। वेटर का काम करते हैं एक होटल में जापान में, और मलेशिया थाईलैंड में वो नारियल, उसका वीडियो भी बहुत अच्छा है, कैसे उसको सिखाते हैं, ऊपर जाते हैं नारियल को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, इतने इतने बड़े झाड़ पे कौन चढ़ेगा, नहीं तो हर बार आदमी थोड़ी चढ़ेगा, तो सारे नारियलों के झाड़ पर वो बंदर चढ़ता है, उसको घुमाएगा ऐसे ऐसे करेगा और फिर नीचे फेंकेगा, तो व्यक्ति नीचे से जमा करेगा। तो बंदरों को ट्रेन किया जाता है, ट्रेन किया जा सकता है, कुछ भी सिखाया जा सकता है, गिनती सिखाई जा सकती है, इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो, कुछ भी बर्तन मांजने से लेकर हर काम उसको सिखाया जा सकता है। उसी तरह मन जो है उसको कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसको सिखाया नहीं जा सकता, उसको केवल सिखाओ तो वो सीखेगा। आत्मा समझकर बाप को याद करो, यही चैप्टर उसको सिखाना है। यहां कोई आत्मा ही नहीं समझता, बाबा ने कहा जो आत्मा समझे वो महावीर, वो सुप्रीम, वो महावीर, वो शक्तिमान, समझता ही नहीं कोई, पता ही नहीं लोगों को। तो बंदर मन अर्थात ट्रेनेबल, जिसको प्रशिक्षित किया जाए, तो मन जो है उसको प्रशिक्षित किया जाता है, टेम द मंकी माइंड, इसको वश में करना है, और किया जा सकता है। अभ्यास ही न तू कौन थे वैराग्य न चुगुहते, हे अर्जुन वैराग और अभ्यास से इस मन को वश में कर। अभ्यास, निरंतर अभ्यास, बार बार ट्रेनिंग देते रहना उसको, वही वही चीज उसको सिखाते रहना, तो बिल्कुल सीखेगा एक दिन। कुछ भी सिखाया जा सकता है, कोई भी नई भाषा सिखाई जा सकती है, कोई नई स्किल, आर्ट, कुशल कौशल, कला, कुछ भी उसे सिखाए, कोई भी ललित कला, संगीत उसको सिखाया जा सकता है, कुछ भी। हमारा मन ऐसा है कि कुछ भी सीखो सब सीखने लगेगा। पहले करो टाइपिंग, कितना मुश्किल होता है, पर जो लोग एक्सपर्ट होते नीचे देखते भी नहीं है, ऐसे टाइप करते ऊपर देख के, तो सीखने की बात है। और एक बात लास्ट आठवां, या उसमें जो गुण है, ये रामायण की बात है। बंदर जो है पत्थर ले रहे और पुल बना रहे, फेंक रहे और तैर रहे, वो नल नील। राम जी को लगता है मैं भी जरा ट्राई करके देखूं, मैं अगर फेंकू तो क्या होता है। तो राम जी चुपके से एक कोने में जाते हैं ताकि कोई देखे ना गड़बड़ हो गई तो, और एक पत्थर उठाते और फेंकते समुद्र में, वो डूब जाता है, हो गया ना गड़बड़।
पहले तो यहां देखते कि किसी ने देखा तो नहीं कि मैं खुद मेरा नाम से तैर रहे और जब मैं खुद फेंकता हूं तो वो डूब गया, तो देखते किसी ने नहीं देखा। परंतु एक बंदर तो बहुत चालाक होता है, चुपके से देख रहा है देख लिया उसने, वो उसके पास जाते हैं कहते तुमने देखा, बोले हाँ मैंने तो देख लिया। तो क्या कर सकते अब तुम ही बताओ ऐसा क्यों हुआ, मेरे नाम का लिखा हुआ पत्थर तो तैर रहा है और मैं जिसको खुद फेंक रहा हूं वो डूब रहा है। वो कहता है सीधी सी बात है प्रभु, जिसको आप फेंक दो वो कैसे तैर सकता है, जिसको आप ही फेंक दो वो कैसे तैर सकता है। तो दिखाया है बंदर अर्थात जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है, और वो जो कार्य करेंगे वो असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। तो बंदरों में भी प्रभु प्रेम, भगवान की सेना कौन थी, बंदरों की सेना थी। बाबा तो मुरलियों में कह रहे हैं कि उन बंदरों को देखने जाओ क्या, पर मुरलियों में यह भी आया है कि तुम ही बंदर हो, तुम ही की तो, तुम्हारी तो सेना दी है राम ने, तुम ही तो वो इनकी सेवा। तो चाहे बंदर मन अर्थात जिसमें प्रभु प्रेम पले, चाहे फिर हमारा कंट्रीब्यूशन जिसमें भारत में कहते स्क्विरल्स कंट्रीब्यूशन, छोटा सा योगदान, एक गिलहरी ने कितना योगदान किया, बंदर हंसने लगे उसके ऊपर, अरे तुम क्या करती हो, वो भी तो बड़े बड़े जो पत्थर थे उसके बीच बीच में जो गैप थी वो भरने का काम कौन करती थी, वो करती थी गिलहरी, छोटी छोटी रेती डालती थी यहां पर। चलो वो भी छोड़ो, पर उसका कहना था कि जब वो लिस्ट निकाली जाएगी कि भगवान का पुल बनाने में किस किस ने मदद की थी, उसमें मेरा नाम तो आ गया ना, भगवान के कार्य में सहयोग किसने दिया था, तन मन धन समय आ गया ना हमारा नाम, कि हमने भी सहयोग दिया था। आज की मुरली में गोवर्धन पर्वत उठाने वाले तुम हो, तुम उन्हें उंगलियां दी, तुमने उंगलियां दी। तो बंदर मन अर्थात जिसको प्रशिक्षित किया जाए, और बंदर मन अर्थात जिसमें प्रभु प्रेम पले। तो ऐसे दो अच्छी बातें हैं। अच्छा बंदर का स्वभाव जो है वो इधर उधर 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 भटकते रहता है वो। हाँ और क्या खाता है वो फल फूल खाता है, और कभी कभी छोटा मोटा नहीं, कभी कभी वो भी खा लेता है, कीड़े बीड़े मकोड़े वो भी खा लेता है कभी कभी। तो इस मन को समझना है। हाँ वो खाता है वो। और बंदर का जो डीएनए है वो मनुष्य के साथ 98% मैच करता है, और बंदर के अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं। एक बंदर के फिंगरप्रिंट ना मिले दूसरे बंदर से, जैसे मनुष्य के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं ना, वैसे बंदर के भी नहीं मिलते हैं। और कुछ लोग तो उसको पूर्वज ही मानते हैं। डार्विन्स थियरी कहती है कि हम लोग कहां से निकले, बंदरों से। बंदर ठीक ठीक बंदर ऐसे नीचे झुके थे ना, फिर होते होते मनुष्य बने, और अभी मनुष्य वापस कंप्यूटर में झुक के बंदर बन रहा है, ऐसा चित्र है ना, पहले इधर फिर सीधा खड़े हो गए और अभी वापस चक्कर पूरा हो रहा है। अभी वापस झुक के कंप्यूटर चला रहा है, पहले वहां था ऊपर गया फिर आ गया। और दूसरा बंदर को अपने पूंछ से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, ये भी एक दूसरी बात है, बहुत ज्यादा। उसकी पूंछ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, बहुत ज्यादा चिढ़ता है। और कुछ कुछ ज्यादा चिढ़ने वाले बंदर होते, जो उधर हम गए थे उत्तराखंड में, लाल लाल बंदर थे, हमारे माउंट के बंदर की याद आ गई, इतने प्यारे बंदर, फिर भी बड़े शांत चित्त, योग का प्रभाव है यहाँ पर। लाल तो बहुत इतने खतरनाक होते, ऐसे गुस्से से देखते, घुर्राते, बिल्कुल नहीं डकते। हम कितना मिस कर रहे थे माउंट के बंदरों को हमारे कितने डोमेस्टिक नहीं, यहाँ पर योग के वाइब्रेशन से थोड़े योगी बंदर है हमारे तो। और बंदर 15 से 32 साल तक जीता है, बंदर की उम्र जो है ना 15 से 32 साल तक वो जीता है। बंदरों के झुंड को ट्रूप कहा जाता है इंग्लिश में, ट्रूप। तो बंदरों की बहुत महिमा है, बंदरों की बहुत सारी चीजें हैं, बातें हैं। तो बाबा बंदरों को बहुत याद करते कहते हैं कि बंदर से तुम अब क्या बनने वाले हो, मंदिर लायक बनने वाले हो।
तो कांटों के जंगल में बंदर बहुत है, हमें बंदर नहीं बनना है। अगर मन बंदर है तो इस बंदर मन को क्या करना है, धीरे धीरे टेम, उसे वश में करना है। चंचलता है उसमें, बेचैनी उसमें, अस्थिरता है उसमें, उसका लगाव है, इसका मोह है, आसक्ति है, वैराग्य भी है, वो भी मर्कट वैराग्य है, शाश्वत वैराग्य नहीं है। ये सारे बंदर की जो बातें हैं, अपने मन में लाके बंदर को इस वश में करना है। और सबसे संयम, शरीर को संयमित, मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा है? एक अभ्यास है जो मन को एकदम शांत कर देता है। नवरात्रि चल रही है, उपवास, ना खाना ना पीना, निर्जला, मन एकदम शांत और ठंडा हो जाता है। संसार में बीमारियां ना खाने से नहीं है, खाने से है। शरीर में जो मल भरा पड़ा है और जो सारी बीमारियों का जड़ है, कोलोन, इंटेस्टाइन, उसमें जब तक वो साफ नहीं होता है, सारी बीमारियां वहां से निकल रही है। इसके लिए एक स्थूल अभ्यास है, बीच बीच में उपवास। अगर पूरा दिन उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम जागृत अवस्था वाला 8 घंटे का उपवास। जागृत अवस्था वाला, सोए वाला नहीं, जागृत अवस्था वाला उपवास। मन को आदेश देना है इससे थोड़ी देर दूर रहना है, 6 घंटा, न खाना न पीना। ये अभ्यास ऐसा है कि मन अपने आप शांत हो जाता है, वश में आ जाता है। तप है ये, भोजन साधना है, एक उपवास साधना है, निर्जला, कुछ भी नहीं। संकल्प मन को दे दो, जैसे अगर अभी संकल्प दे दिया, ये अगले 4 घंटे, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक या 9 बजे तक, कुछ नहीं। हम इसको स्वास्थ्य की रीति से नहीं कह रहे, साधना के रूप में कह रहे, न खाना न पीना। मन को जो आदेश देंगे वो मानेगा, स्वीकार कर लेगा। मन को आदत है ये सब करने की, ये खाने की, अभी टोली खा ली, अभी ये खा लिया, अभी बादाम खा ली, अभी मिठाई खा ली, फिर कुछ खा लिया, खाते ही रहता है बंदर की तरह पूरा दिन। थोड़ी थोड़ी देर में उसको कुछ चाहिए, और विधि है उसको आदेश दे दो अगले 6 घंटा, ना तुमको कुछ खाना है ना तुमको कुछ पीना है, अपने आप शांत हो जाएगा। यह संकल्प भी शांत कर देगा, क्योंकि भूख शरीर को नहीं लगती है ना ही पेट को, भूख का संबंध मस्तिष्क से है इधर। इसके लिए उपवास, फास्टिंग को सभी बीमारियों का एकमात्र इलाज बताया गया है आयुर्वेद में। एलोपैथी इसको अलग ढंग से या नहीं मानती है, परंतु उपवास, हम भी उपवास स्वास्थ्य के लिए नहीं, आध्यात्मिक साधना है एक, वो एक साधना है। मन को संकल्प दे दो, और मन को जितना हम दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। महात्मा गांधी ने 21 दिन तक उपवास किया था, कुछ भी नहीं खाया था पिया था, 21 डेज। जतिन दास 64 डेज। एक प्रिजन था ब्राजील का कहीं का, वहां पर वो लोग बहुत कैदी बहुत उदास थे, नाराज थे, जिस तरह की ट्रीटमेंट उनको दी जाती थी। उन्होंने कहा हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। उसमें से एक कैदी 108 दिन तक बिना भोजन बिना पानी के रहा था, पानी भी नहीं कुछ भी नहीं। और योग की कथामृत किताब है स्वामी योगानंद की, उसमें गिरिबाला का वर्णन है, गिरिबाला का ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बुक है, सबसे फेमस किताब वर्ल्ड की योगी की लिखी हुई, उसमें गिरिबाला का वर्णन है। और जो सत्य घटना है 1940s में, कि उसने जब वो छोटी थी इतनी खाने की इच्छा होती थी उसको, इतनी क्या खाऊं क्या नहीं, और उसकी सास ने उसको इतना डांटा एक बार, तो उसने उसकी सास को कहा आज से मैं खाऊंगी नहीं। और जब वो छोटी थी तब से उसने खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। बहुत सारे विदेशियों ने आकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि ये कुछ खाती है या पीती है, नहीं देखा, बिल्कुल नहीं करती है। उसने कुछ ऐसी दीक्षा ली कि सूर्य की किरणों से ही स्वयं को जिंदा रखना, या वायु, वायु योगी सूर्य योगी से ही अपने आप को। बूढ़ी हो गई थी जब ये स्वामी योगानंद एक विदेशी के साथ उससे मिलने गए, पूरा डिटेल में वर्णन किया है किताब में, चैप्टर उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, उसमें एक पूरा इसमें डिटेल गिरिबाला का वर्णन है, निराहारी संत।
तो आहार एक साधना है, इसलिए आध्यात्मिक साधना है, उससे भी मन अपने आप शांत हो जाता है। हफ्ते में एक दिन भी करो तो बहुत अच्छा है, हफ्ते में एक दिन भी, क्योंकि बहुत ज्यादा खान पान में आसक्ति जहां है वहां मन कभी भी वश में नहीं हो सकता, नेवर। मन शांत हो जाए तो इस मन को स्थिर करना है, शांत करना है, चंचल को, अस्थिर को स्थिर करना है, आसक्ति को मिटाना है, वैराग्य को बढ़ाना है, ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है, प्रभु प्रेम उत्पन्न करना है। ऐसे ये मंकी माइंड को, कपी चित्त को, मरकट वैराग्य वाले चित्त को शाश्वत वैराग्य की ओर लेके जाना है। अच्छा, ओम शांति। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे, मन को मेरे।